गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। आज सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का क्वेश्चंस का टाइप वाइज क्वेश्चंस करा रहे हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट आपको साधारण ब्याज निकालना है टाइप वन में, उसे ही स्टार्ट किए हैं। तो ये क्वेश्चंस आप मात्र एक सेकेंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं या ओरली मौखिक सोल्व कर सकते हैं। एसआई का क्वेश्चन, सिंपल जो क्वेश्चन होता है उसे आप एक सेकेंड के अंदर ही सोल्व कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिखा गया है, टाइप वन है, साधारण ब्याज निकालना है, यूज करना है आपका ये वाला कंसेप्ट। आपको बताए हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन का आरटी परसेंट। तो देखिए 5,000 रुपया का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो हमने आपको बताया है साधारण ब्याज बराबर आपको क्या होगा, मूलधन का आरटी परसेंट। कहने का मतलब 5,000 का क्या होगा, 4% और गुना 5, तो 4×5 कितना हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे, कहने का मतलब कितना, 20%। परसेंट से 2 जीरो गायब हो जाता है, तो 50×20 आपका आंसर कितना हो जाएगा, 50×20 1,000 रुपया। तो इसी प्रकार से ये मौखिक बनाइएगा, हमें तो आपको समझाना है तो थोड़ा कलम यूज करेंगे ताकि सभी को समझ में आए। तो बस इतना ही करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर जो इसी में आपका अमाउंट पूछे यानी कि मिश्रधन पूछे, तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। तो कहने का मतलब मूलधन आपका 5,000 रुपया तो है ही, और 5,000 रुपया पर 1,000 का ब्याज हुआ, तो 1,000 रुपया जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 6,000 रुपया, अगर जो पूछता मिश्रधन। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चंस, ये आपका फर्स्ट था, यहाँ पर हम कर रहे हैं क्वेश्चंस नंबर सेकेंड। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस में हम यहाँ पर 6,000 कर देते हैं, 4% की जगह पर कुछ पूर्णांक में कर देते हैं, जैसे 7.5% की दर से यहाँ टाइम कर देते हैं, 5 वर्ष की जगह पर 4 वर्ष। तो ये आप खुद पहले ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि आप बना सकते हैं कि नहीं। इसे भी मौखिक ही आप बनाइएगा, ये क्वेश्चंस भी आपको मौखिक बनाना है। तो इसे कैसे बनाइएगा, जो देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस को एक दो बार पढ़िए और पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। और वो कंसेप्ट देखिए, 6,000 रुपया का 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, आपसे मिश्रधन में पूछा जा सकता है, लेकिन हमें साधारण ब्याज ही बताना है क्योंकि टाइप वन में हमने नाम दिया है साधारण ब्याज। तो यहाँ देखिए आपको साधारण ब्याज निकालना है, तो क्या करेंगे, 6,000 का मूलधन का आरटी परसेंट, तो 6,000 रुपया का 7.5 × 4 कितना होगा, तो 7.5 × 2 कितना होता है, 15, फिर 15×3 यानी कि 7.5 × 4 करेंगे तो 30 होगा, यानी कि 30%। तो 6,000 का 30% कितना होगा, 6,000 का 30%, तो परसेंट क्या करता है, 2 जीरो गायब करता है। क्यों 2 जीरो गायब करता है, आपको पता होगा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 6,000 गुना का मतलब गुना 30%, मतलब 30 × 1/100, तो ये दोनों जीरो गायब होता है। अगर जो किसी को नहीं समझ में आता है तो ऐसे बना सकते हैं, 60×30 कितना हो जाएगा, 1,800 रुपया। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। ये एक दो क्वेश्चन हमने आपको समझाने के लिए लिखा, अब कुछ क्वेश्चन एग्जाम वाले कराते हैं ताकि समझे। अब आपको सभी क्वेश्चन असाइनमेंट से एग्जाम वाले क्वेश्चन करा रहे हैं, एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका होगा। ये बोला जा रहा है कि 5,000 रुपया मूलधन पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना रुपया प्राप्त होगा, उसका ब्याज। तो 5,000 रुपया का आपको निकालना है, 5,000 रुपया का 4% की दर से 5 वर्ष का एसआई कितना होगा, 5×20%, तो 5,000 रुपया का 20% कितना हो जाएगा, परसेंट 2 जीरो गायब करेगा, यानी कि 50×20 तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, डायरेक्ट आंसर देना है। तीसरा क्वेश्चन है, 800 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज बताइए, एनडीए 2006 में पूछा गया है। यानी कि 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 10×30% होगा, तो 800 का 30% निकालिए, 800 का 30% परसेंट क्या करता है, 2 जीरो को गायब करता है, तो 8×30 कितना होगा, 240, तो 240 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है, बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6,000 रुपया का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा,
मतलब 5% की 10 से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 25% होगा, तो 6000 का 25% आपका निकालना है। तो 6000 का 25% कितना होगा, 5% दो जीरो को गायब करेगा, 25×6=150, यानी कि 1500 रुपया आपका हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2500 रुपया पर कितना ब्याज कमाया जा सकता है, यानी कि 6% की दर से 5 वर्ष का पहले साधारण ब्याज 6×5=30% होगा, तो 2500 का 30% निकालना है, यानी कि 2500 का 30% कितना होगा, तो परसेंट दो जीरो को गायब करता है और 25×30=75, यानी कि 750 रुपया होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है, सी नंबर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 4000 रुपया की राशि पर 3 वर्षों में 6% की दर से साधारण ब्याज की राशि क्या होगी, तो 3 वर्षों में 6% की दर से, तो 6×18% हो गया साधारण ब्याज, तो 4000 रुपया का 18% कितना होगा, 4000 रुपया का 18% आपको निकालना है, परसेंट दो जीरो को गायब करता है, तो 18×72 यानी कि 720 रुपया होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ये आपका डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, 1000 रुपया का 3.5% वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, आईबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन से। तो यहाँ पर मूलधन आपको कितना दिया गया है, 10000 रुपया मूलधन दिया गया है, और यहाँ पर आपका टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है आपका 10 वर्ष, और रेट कितना दिया गया है, रेट दिया गया है आपका 3.5%, 3.5% को लिख सकते हैं पूर्णांक में, 3^2% और पूर्णांक तोड़ देंगे तो 7/2%, तो आपका एस आई कितना हो जाएगा, एस आई हो जाएगा आर गुना टी, मतलब 10×7/2, तो 35%। इसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या मौखिक भी बना सकते हैं। तो आपका एस आई कितना होता है, मूलधन का आरपी परसेंट, मूलधन का आरपी परसेंट कहने का मतलब 1000 रुपया का कितना, 10000 है, तो 10000 का कितना होगा, 10000 का 35%, तो परसेंट दो जीरो को गायब करता है, यानी कि 3500 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 150 रुपया की राशि पर 8% वार्षिक दर से 4.5 वर्ष में कुल कितना साधारण ब्याज होगा, तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख ही देते हैं मूलधन कितना दिया है, 150 रुपया, आपका टाइम कितना दिया है, 4.5 वर्ष, और यहाँ पर आपका रेट कितना दिया है, रेट दिया है आपका 8%। तो एस आई पहले निकाल लीजिए, एस आई कितना होगा, आर गुना टी, यानी 4×8, इसे लिख सकते हैं 9/2 वर्ष, तो एस आई होता है क्या, आर गुना टी, इतना परसेंट होता है, तो आर गुना टी कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 8×9/2, तो 2×8, 9×36%, तो यहां पर से एस आई निकाल लीजिए, 150 का कितना होगा, 36%, तो यहां पर 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, और यहां पर से 5×3=15 और 5×2=10, यहां से 2×18×36, तो 18×54 रुपया आपका हो जाएगा एस आई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, बीपीएससी 1999 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 20000 रुपया का 4.5% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, सीपीएफ 2004 में पूछा गया है। तो देखिए पहले यहां पर से आपको मूलधन कितना दिया गया है, 20000 रुपया मूलधन दिया गया है, 20000 रुपया, और रेट कितना दिया गया है, 4.5%, और टाइम कितना दिया गया है, 2.5 वर्ष, कहने का मतलब 2×1/2 वर्ष, तो यहां पर से ये दोनों को गुना करेंगे तो एस आई बराबर होता है आर गुना टी, तो दोनों को पूर्णांक तोड़ेंगे तो 9/2 ये होगा 5/2, तो 45/2 कितना होगा, 4, इतना परसेंट आपको हो जाएगा एस आई, तो आपका एस आई निकालना है, तो 20000 का कितना होगा, 45/4%, परसेंट हटाएंगे तो 1/100, ये 2×0 से 2×0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल करेंगे तो 50×4 कितना होता है, 200, और 50×45 करेंगे तो 45×5=225 होता है, 10 और ये, तो यहां पर से आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2250 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन दिया है 2250 रुपया, जो ऑप्शन नंबर ए है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखिए 9 एंड 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
₹25 पर 6.25% वार्षिक दर से 4 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज की राशि क्या है? तो इजी क्वेश्चन है, मूलधन आपको दिया गया है ₹25 और आपको टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 4 वर्ष और रेट कितना दिया गया है 6.25, मतलब 6.1/4 ये आपका रेट है। रेट कहने का मतलब आर फॉर रेट, इतना परसेंट। तो आपका ये दोनों को गुना करेंगे तो एस आई निकाल लेते हैं, तो 6×24 से 25/4 × 4 कहने का मतलब कितना हो गया 25%। तो डायरेक्ट यानी कि एस आई क्या हो जाएगा 25 का 25%, यानी कि 25/100 तो 625/100 हो जाएगा, यानी कि 6.25 रुपया, या इसे लिख सकते हैं 6.1/4 रुपया भी। जो भी ऑप्शन रहे तो ऑप्शन आपका कितना देगा 6.25 रुपया, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यही से आप आंसर दे दिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए आज के वीडियो का, मतलब टाइप वन का लास्ट क्वेश्चन है एसआई निकालने वाला। ₹800 पर 12% की दर से 5 महीना का साधारण ब्याज कितना होगा? तो डायरेक्ट हम बना रहे हैं ₹800 का, मतलब मूलधन इतना दिया है और आपका कितना 12% की दर से 5 महीना का, 12% की दर से, तो 12/100 भी लिख सकते हैं, 5 महीना तो 5/12, 5 महीना दिया है तो उसे वर्ष में बदल लीजिए, 5 महीना को वर्ष में बदलेंगे तो 5/12 वर्ष हो जाएगा। इसे कैंसिल कर देते हैं, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 8×5 आपका आंसर कितना हो जाएगा ₹40। यानी कि ₹800 का 12% की दर से 5 महीना का साधारण ब्याज कितना हुआ ₹40, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है ₹40, ऑप्शन नंबर ये आपका है बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कवर किया, जो ये क्वेश्चन बीपीएससी 2001 में पूछा गया था। तो टाइप वन हम यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर यह वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला मेरा जो चैनल है मैथ गाइड बाय मनोज कुमार, ये और एक चैनल आ रहा है जनरल कंपटीशन मैथ, दोनों को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जल्द ही किसी एक पर भी लाइव क्लास लेने में सक्षम हो सकें।